बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। एंड इन यस्टरडे लेक्चर वी स्टडी टिल पैराग्राफ नंबर 5। सो इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 6। ओके, so paragraph number 6, that is that the flow of the divine message which continued for the 623 years had begun, and the holy prophet had arisen to proclaim oneness of God and the unity of mankind. To kal tak hum ye pad chuke the ke when Hazrat Muhammad when he was in the cave of Hira, so Hazrat Jibrail the holy angels came and brought the message of God to the Hazrat Muhammad sallam. Okay, so that was all about what happened in the cave of Hira. Sir, hum ye pad chuke the ke ओके, सो कल हम यही पढ़ रहे थे, रीड इन द नेम ऑफ, ये जो कुरान के आयत है, इक रबी इस्मे रब्बिकल लज़ी खलक़, सो दीज वर द फर्स्ट वर्सेस दैट रिवील ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लम। ओके, ये हम कल पढ़ चुके थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ नंबर 6। ओके, सो पैराग्राफ नंबर 6 में ये है कि द रिवेलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज व्हिच कंटिन्यूड फॉर द 623 इयर्स हैड बिगन एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइज़न टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ओके, सो इसका ये कह रहे कि वही का नज़ूल शुरू हो चुका था जो कि अगले 30 साल तक जारी रहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहदत और नस्ल इंसानी के इतिहाद का ऐलान किया। याद रखें, नबी करीम सल्लम को जब नबूवत मिली तो एज द एज ऑफ हज़रत सल्लम वाज 40 इयर्स, ही वाज 40 इयर्स ओल्ड व्हेन ही गॉट व्हेन ही वाज ब्लेस्ड विद नबूवत, सो हिज एज वाज 40 इयर्स। और टोटल जो नबी करीम सल्लम की एज थी दैट इज 63, सो 40 + 23 = 63। जो नबी करीम सल्लम ने टोटल 23 साल यानी 23 इयर्स नबी करीम सल्लम ने इस्लाम की तबलीग की थी। एंड अदर सल्लम वाज बोर्न, एज यू पीपल नो दैट, जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन, ही वाज बोर्न इन 571 AD एंड ही वाज डाइड इन 632 AD, यानी 632 में नबी करीम सल्लम का इंतकाल हुआ था। ओके, सो उसके बाद हजरत उमर फारूक को इस्लाम, यानी ही वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम। सो ये कह रहे हैं कि वही का नज़ूल शुरू हो चुका था जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, और नबी करीम सल्लम ने अल्लाह ताला की वहदत और नस्ल इंसानी के इतिहाद का ऐलान किया। तो यह आप देख ले, प्रोक्लेम का मतलब है इस सेंटेंस में, प्रोक्लेम कहते हैं ऐलान को, अनाउंसमेंट को, टू अनाउंस समथिंग पब्लिकली, टू डिक्लेयर समथिंग पब्लिकली। ओके, दैट इज कॉल्ड, तो नबी करीम सल्लम ने ऐलान किया था किस चीज़ की, ओननेस ऑफ गॉड। ओननेस ऑफ गॉड का मतलब है अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदत, यानी एक अल्लाह को मानना। ओके, सो दैट वाज, उसको हम अरबिक में तवहीद कहते हैं। ओके, नबी करीम सल्लम ने कहा था कि अल्लाह इज वन। ओके, एक अल्लाह की मानने की बात कर रहे थे नबी करीम, सो दैट इज द प्रोक्लेम, दैट वाज द अनाउंसमेंट। एंड द यूनिटी ऑफ मैन काइंड, यानी इंसानों के आपस में इतिहाद, यूनिटी मीन इतिहाद। ठीक है, सो दीज वर सम डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। ओके, द नेक्स्ट वन, हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ। डिस्ट्रॉय का मतलब है ख़त्म करना, ठीक है, बिल्कुल क्रश mean to end something, to finish something, that is called destroy. Nexus का मतलब है connection, nexus mean connection, bond, link. Okay, so अब्दुल्लाह का मकसद, और इसके बाद है superstition. Superstition का मतलब है बेटा यहाँ superstition something false notion, जो गलत
अकीदे होते हैं, रॉन्ग आइडिया, फेलेसी, ओके, फॉल्स नोशन, दैट इज कॉल्ड सुपरस्टिशन, यानी नबी करीम सल्लम से पहले इस दुनिया में गलत सुपरस्टिशन, गलत बिलीफ थे, लोग तरह तरह की बिलीफ रखते थे, देट वॉज इग्नोरेंस कहते हैं जहालत। कल भी एक पैराग्राफ में ये वर्ड आया था, इग्नोरेंस मीन जहालत, और इग्नोरेंट हम जाहिल को कहते हैं, हम कहते हैं ही इज इग्नोरेंट, वो जाहिल है, और इग्नोरेंस मीन जहालत। एंड डिसबिलीव, डिसबिलीव का मतलब क्या है, डिसबिलीव मीन कुफर, डाउट, अनबिलीव, जो डिसबिलीव जो अल्लाह को नहीं मानते, दैट इज कॉल्ड डिसबिलीव। सो आपलम का मकसद वहाँ परस्ती, जहालत और बेयकीनी की फिजा को ख़त्म करना था, यानी जो नेक्सस थी, जो कनेक्शन थी, उसको ख़त्म करना था। ओके, सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ इन डिवाइन ब्लेस। ओके, डिवाइन ब्लेस, जिंदगी का एक अजीम तसव्वुर कायम करना और ईमान और खुदा की नेमतों की रोशनी में बनो इंसान की क़ियादत करता। सो इट मीन दैट वी कैन से दैट द डिवाइन रिवेलेशन, यानी वही, हैज स्टार्टेड एंड इट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years, विच वॉज द पीरियड ऑफ नबूवत, यानी नबी करीम सल्लम की जो तबलीग थी, दैट वॉज कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 23 years, एंड वी कैन कॉल इट द पीरियड ऑफ नबूवत। ओके, द पीरियड ऑफ नबूवत। सो द रसूल हैड बिगेन टू प्रीच दैट अल्लाह इज वन, तौहीद, वननेस ऑफ गॉड, मीन ही सेज दैट अल्लाह इज वन, ही आस्क्ड पीपल टू बी यूनाइटेड, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, एंड ही गिव द मैसेज ऑफ यूनिटी। नबी करीम सल्लम जब नबी करीम सल्लम को नबूवत मिली, तो नबी करीम सल्लम ने अल्लाह ताला की वननेस की और लोगों को यूनाइटेड होने की तलकीन करते। इट वॉज the aim of the rasul to crush the meaningless belief, we can say galat, false belief. Nabi Karim sallam ka maqsad kya tha dawat tabligh ka, to finish, to crush, to destroy the wrong beliefs and to end the ignorance and doubts about religious principle, yani religion ke bare mein jo shakuk shubhat hai, Nabi Karim sallam सल्लम ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की। ही वी कैन से दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पैराग्राफ, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। ओके, सो इट वॉज द एम, इट वॉज द पर्पज ऑफ हिज, वी कैन से प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। ओके, सो ही डिजायर्ड टू गाइड पीपल टू ट्रू फेथ, ही विश पीपल टू बी ब्लेस्ड बाई अल्लाह। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ, ये नबी करीम सल्लम की तबलीग के बारे में, अफसल्लम की तबलीग के बारे में था। ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 7, अरब्स हैज स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द होली प्रॉफिट सल्लम एंड हिज फॉलोअर। जब नबी करीम सल्लम ने, याद रखे, जब अफसल्लम ने दावत तबलीग स्टार्ट की, यानी इस्लाम की तबलीग स्टार्ट की, तो जो कुफार थे, कुफार मक्का थे, नबी करीम सल्लम, दे क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्डल, डिफिकल्टीज फॉर हज़रत मुसल्लम। ओके, अफसल्लम पे प्रेशर डालते थे। सो इसका मतलब है कि नीचे ट्रांसलेशन, अरब हैज स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द होली प्रॉफिट इन हिज फॉलोअर। ओके, यानी अरब जो थे, कुफारे अरब ने इजूर नबी करीम सल्लम और इनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी जो डिसबिलीवर थे, जो कुफार थे, वो नबी करीम सल्लम पे दबाव डालते थे। क्यों? पैगन, इधर आगे देखिए इस सेंटेंस में, होली प्रॉफिट हैज बीन रिटन इन कैपिटल लेटर, तो याद रख के द होली, द नेम ऑफ द होली प्रॉफिट, यानी द नेम ऑफ हज़रत सल्लम मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। ओके, सो नाउ व्हाई डू वांट टू डू दिस, वो क्यों ये करना चाहते थे, दे सेंस, सॉरी इधर एक सेंटेंस में से नजर नहीं आ रही, बट मैं बुक खोल के देखता हूँ। ओके, यहाँ से मैं करता, ठीक है, कहते हैं कि सिंस दिस बिलीव वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, सिंस दिस बिलीफ, यानी ये अकीदा, कौन सा अकीदा, इस्लाम की तबलीग, वॉज थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब है, वो कह रहे थे कि खतरा बन रहा था, देयर डोमिनेंस,
ये जो नबी करीम सल्लम की जो दावत तबलीग थी, जो अकीदा था, वो कुफार मक्का के गलबे के लिए एक खतरा बन रहा था। यानी कुफार मक्का की जो डोमिनेंस थी वहाँ सोसाइटी में, उसके लिए एक खतरा बन रहा था। सो द वर्ल्ड दे स्टार्ट द पेगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर। तो उन्होंने रसूल पाक सल्लम और उनके सहाबा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ओके, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। ऑन वन ओकेजन, ओकेजन कहते एक मौका पे, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द होली प्रॉफिट सल्लम काइंड इनकेयरिंग अंकल अबू तालिब। आप लोगों को याद कि अबू तालिब वॉज द अंकल ऑफ हजरत सल्लम। डेलीगेशन कहते हैं वफ्त को, डेलीगेशन मीन वफ्त। ये आप लोगों की एक्सरसाइज में एक वर्ड भी है सेंटेंस यूज का। ओके, वफ्त, डेलीगेशन मीन वफद। ओके, ये आप लोगों को याद होगा कि जब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में अपने लोग, ऑफिशियल लोग, सरकारी लोग भेजते, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। ओके, ग्रुप के शक्ल में। टू द होली प्रॉफिट सल्लम काइंड इन केयरिंग अंकल, कहते हैं कि एक मौका पर उन्होंने हजरत सल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब की तरफ एक डेलीगेशन, एक वफद भेजा। ओके, दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द होली प्रॉफिट सल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटी मैसेज। क्यों भेजा ये डेलीगेशन? वो कह रहे थे कि नबी करीम सल्लम यानी वो अबू तालिब से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हजरत सल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोके। रिस्ट्रेन का मतलब है बेटा स्टॉप, टू स्टॉप समवन, टू प्रिवेंट समवन, ओके, रोकना फ्रॉम हिज मिशन। तो क्यों भेज दिया? के इसलिए वो चाहते थे कि अब सल्लम जो दावत तबलीग करते, यानी वो ओलीन, यानी वो चाहते थे कि अब सल्लम अपने ओलीन मकसद को छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार कर ले। ओके, सो दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन सल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटी मैसेज और फेस डियर एनमिटी, और फेस डियर एनमिटी। एनमिटी कहता है, इधर अगर आप देख ले, दे टोल्ड हिम, ये जो कुफारे मक्का थे ना अबू तालिब को, ये कहा टू रिस्ट्रेन द होली प्रॉफिट सल्लम को मना करे फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटी मैसेज, अल्लाह की तबलीग, यानी अल्लाह की मैसेज को, पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के, ये जो तबलीग है इसको स्टॉप कर ले। आर फेसिंग दियर एनमिटी, आर फेसिंग दियर एनमिटी, या अगर वो मना नहीं हो रहे आप सल्लम, अगर दावत तबलीग से मना नहीं हो रहे, सो फेस दियर एनमिटी, फेस दियर एनमिटी, तो फिर उसकी दुश्मनी के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, एनमिटी कहते हैं बेटा यहाँ दुश्मनी को। ओके, एनमिटी मीन दुश्मनी। जुएब, इधर कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहे बेटा? ओके, सो वक्त भेजा, उन्होंने बताया कि रसूल सल्लम पे अल्लाह की पैगाम की तबलीग से रोके या उनकी दुश्मनी के लिए तैयार हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यह मैंने आई थिंक आई मिस दिस सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट लाइन, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नीफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन। क्योंकि जब अबू तालिब को कुफारे मक्का ने जब उनसे ये रिक्वेस्ट की, तो अबू तालिब जो था वो एक कन्फ्यूजन में, एक उलझन में पड़ गए कि उसके लिए क्या मुश्किल था। एक तरफ कुफारे मक्का थे, दूसरी तरफ सल्लम को, तो एक डिलेमा में, एक उलझन में, एक कन्फ्यूजन में, कन्फ्यूजन का शिकार हुआ। ही सेंट फॉर हिज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नीफ एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन। तो कहते कि उन्होंने एक इधर खुद को मुश्किल सूरत हाल में देखकर उन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भेजा, यानी अबू तालिब ने अपने भतीजे को पैगाम भेजा। ओके, द होली प्रॉफिट सल्लम आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स। और जब अबू तालिब ने सल्लम से रिक्वेस्ट की कि आप इस्लाम की तबलीग को रोके, तो अज़रुल सल्लम ने अफ़ुल सल्लम ने नीचे अल्फाज में, नीचे मेमोरेबल वर्ड्स का मतलब है यादगार अल्फाज में, नबी करीम सल्लम ने
अबू तालिब को ये वाजह किया, मेमोरेबल वर्ड्स, क्या वर्ड्स थे? माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, इवन देन आई शल नॉट अबेंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ गॉड। ओके, तो ये कह रहे थे कि अब्दुल सलम ने कौन से अल्फाज से जवाब दिया कि मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दे, तब भी मैं खुदा की वहदानियत के ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। कह रहे नबी करीम सल्लम के ये अल्फाज थे। एबेंडन का मतलब है बेटा छोड़ देना, टू रिनाउंस समथिंग, टू लीव समथिंग, गिव अप। हम कहते हैं ना कि नेवर नेवर गिव अप, यानी कभी अपनी मकसद को न छोड़े, ठीक है। नेवर नेवर, एबेंडन का मतलब है, एबेंडन मीन तर्क करना, छोड़ना, ठीक है। सो प्रोक्लेमेशन का मतलब है, ये पहले भी आ चुका था दावती तबलीग, ठीक है। प्रोक्लेमेशन मीन डिक्लेरेशन या दावत तबलीग, हम कहते इस्लाम की तबलीग, ठीक है। आई शेल सेट अप द ट्रू फेथ अपन द अर्थ और पेरिश इन एन अटेम्प्ट, इन द अटेम्प्ट, आई शेल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट। तो नबी करीम सल्लम फरमा रहे थे कि मैं ज़मीन पर अकीदे बरहक को कायम करूँगा या इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊँगा। तो नबी करीम सल्लम जवाब ये था कि मैं इस ज़मीन पर एक सच्चा दीन कायम करके रहूँगा, अगर अगर उसमें मेरी जान भी चले जाए, या इस कोशिश में अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। सो दीज वर सम ऑफ द मेमोरेबल वर्ड दैट अब्दुल सल्लम सेड ऑन दैट ओकेजन व्हेन अबू तालिब Ask them to stop the preaching of Islam. Okay, now next paragraph number 8. The Holy Prophet ﷺ's uncle was so impressed with his firm determination that he replied. Hazrat ke chacha Abu Talib apne bhatije ke pukht azm se is qadar mutasir hue aur unhone jawab diya. He was so impressed. नबी करीम सल्लम की जो जवाब थे उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन का मतलब है फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब है बेटा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, ओके, अज़म को, और फर्म कहते हैं पुख्ता, बिल्कुल स्ट्रांग, ओके। हज़रत अबू तालिब जो थे नबी करीम सल्लम की इस पुख्ता अज़म से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और क्या जवाब दिया? ही रिप्लाइड, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाइवे। ये जो THY नजर आ रही है आप लोगों को, इसका ये दिस इज ओल्ड इंग्लिश, इसका मतलब है यू वे, यानी अपने रास्ते पर गामजन रहो। नन विल डेयर टच दी, ओके, यानी अपने रास्ते पर गामजन रहो, यानी अपनी इस्लाम की जो तबलीग आप करें उसको जारी रखो। आप सल्लम को कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता, यानी नो वन विल हार्म यू, नो वन हैज़ द करेज टू हार्म यू, ओके, टू स्टॉप यू। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं आप सल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फॉरसेक मीन छोड़ना, मैं आप सल्लम को। सो दीज वर द वर्ड्स सेड बाई अबू तालिब। So what he says that no man had enough courage to harm you. Hazrat Abu Talib said to Allah to Hazrat Sallam that he would not leave him support. Yani he will support him. Okay, you can continue the preaching of Islam. So these were the words said by Abu Talib to Hazrat Sallam. Okay, now paragraph number 9. And the Holy Prophet ﷺ did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. ये chosen जो है ना, this is the third form of chosen. Okay. So ये कह रहे, it means that we can say that in the Rasul ﷺ did go the way Allah Almighty had chosen for him. और रसूल सल्लम इसी रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह ताला ने इनके लिए चुन ली थी, यानी वो अपने ही कंटिन्यू हिज प्रीचिंग ऑफ इस्लाम एम्ब्यूड विद डिवाइन
गाइडेंस एंड फर्म रिजोल्यूट द होली प्रॉफिट सल्लम एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंज विद ग्रेस एंड डिग्निटी। ओके, सो कह रहे थे कि अल्लाह ताला की तबलीग को जारी रखते हुए आप सल्लम वी कैन से दैट पुख्ता इरादे के साथ रसूल सल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला शान और वक़ार से किया, यानी अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ बेटा उसका मतलब है डिग्निटी का मतलब है वक़ार, अनर। ओके, चैलेंजेस का मतलब है मुश्किलात, डिफ़िकल्टी, ट्रबल्स, वी कैन से प्रॉब्लम, हर्डल्स। ओके, तो नबी करीम सल्लम ने सारे मुश्किलात के बावजूद बहुत अच्छे वक़ार, अच्छे तरीके से इस्लाम की तबलीग को जारी रखा। ठीक है, यू वॉज ऑल्सो इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। ओके, सो कहते कि कुछ ही अरसे में बनने इंसान के बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर सरफराज फरमाया। नबी करीम सल्लम ने अपने इस्लाम की तबलीग को जारी रखा और यहाँ तक कि बहुत से many of the people they accepted Islam. Okay, he was also a divine force behind Arab conquest which have created an everlasting impression on human history. Everlasting ka matlab hai forever. Conquest ka matlab hai fatuhat. Conquest is the plural of conquest of fatuhat. Ye aapke usme hai, exercise mein bhi hai. Everlasting mean forever. Okay, तो ये कह रहे हैं कि अरब की फतुहात जिन्होंने इंसानी तारीख पर लाजवाल असरात छोड़े, इसके पीछे ज़बरदस्त क़ुव्वत भी अफ़सुस सल्लम ही थे, यानी जितने भी फतुहात हुई थी अरब में उसके पीछे नबी करीम सल्लम की क़ुव्वत थी। ठीक है, यहाँ देख लें नीचे ट्रांसलेशन, अफ़सुस सल्लम अरब फतुहात के पीछे असल ताकत थे, असल ताकत हुई नबी करीम सल्लम। ओके, पर आ जाए, no wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. Influential ka matlab hai baasar. Okay, influential mean baasar, asar andaaz hone wala. No wonder, okay, koi hairangi ki baat nahi hai. He is universally acknowledged as the most influential figure in history, yani afsus sallam ek इन्फ्लुएंशनल, यानी इस पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं, अफ़सुस सल्लम तारीख में हर जगह ज़्यादा बासर शख्सियत मानी जाती है, यानी ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशनल पर्सनालिटी इन द इस्लामिक हिस्ट्री। इन द वर्ड्स ऑफ मिकल हार्ट ग्रेट हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन की नबी करीम सल्लम के बारे में ही सेड, व्हाट ही सेड, दैट मोहम्मद हाउ एवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम इन इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल। ओके, एथिकल का मतलब है अखलाकी, प्रिंसिपल मीन उसूल, ओके, रिस्पॉन्सिबल मीन जिम्मेदार। ओके, तो वो ये फरमा रहे थे एक हिस्टोरियन, यानी द मैन हु स्टडी हिस्ट्री, अजीम तारीखदान मिचेल हार्ट की जुबानी, वो क्या फरमा रहे थे, ताहम मौसूस सल्लम दोनों इस्लाम की मजहबी अकायद और मरकजी अखलाकियात और अखलाक उसूलों के लिए जिम्मेदार थे, यानी ही gave the message of ethics, morality in social these ethics. Moses either niche is in fact the divine force behind the Arab conquest. He may well rank as the most influential political leader of all the time. theek hai, to iska matlab ye hai ki iske alawa unhone और मजहबी रसूमात के क्याम में दर हकीकत अरबों की फतुहात की पुष्ट पर महरिक क़ुव्वत उन्हें की हैसियत से अफ़सुस सल्लम के हर ज़माने का बासर शख्सियत बासर सियासी रहनुमाई के सब में अजीम शान रुतबा दिया जाता है, यानी अफ़सुस सल्लम ही वाज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ओके, the Arab conquest of the 17th century had continued to play an important role in the human history down to the present day. The Arab conquest of the 17th century have continued to play an important role in human history down to the present
डे। तो ये कह रहे हैं कि अरब की सातवीं सदी की फतुहात आज तक इंसानी तारीख में अपना एक अहम किरदार जारी रखे हुए हैं। ओके, दिस इज द आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ओके, बट लेट मी चेक द टाइम ऑफ द क्लास, द रिमेनिंग टाइम। सो स्टूडेंट्स, जस्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट। आफ्टर 2 मिनट्स द क्लास विल एंड ऑटोमेटिकली। सो हियर आई वुड लाइक टू finish today lecture. It was enough for today. The remaining one paragraph, the last one, we will study it tomorrow. Okay, aur iske sath hum baaki exercise bhi kar lenge. Just one paragraph left, paragraph number 10. Uske baad hum jo exercise mein jitne bhi concepts, grammatical concepts, hum wo pad lenge. Okay, so Zuhaib, awaaz aa rahi hai aap logon ko? Zuhaib, are you there? Okay, beta. So it was enough for today. Inshallah, see you tomorrow. Okay, Allah Hafiz. Thank you very much. Yes, beta. Zuhaib, are you there? Sir? Yes. Yes, sir. वो आपने डायरी का नहीं उठाया? डायरी? Yes, अच्छा, good. आप लोग ये करें कि yes, sir. Start, आज हम ये चैप्टर का सिर्फ एक पैराग्राफ रह गया, वो मैं कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग ऐसा करें कि ये इसके ट्रांसलेशन याद करें। ये फाइल मैं अभी सर को सेंड करके आप लोगों को ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है? और साथ जो मुश्किल वर्ड्स है उसके स्पेलिंग की प्रैक्टिस करें, और लास्ट में जो ग्लोसरी वाला पोर्शन में वर्ड्स मीनिंग है उसको याद कर दे, ठीक है? और ओके 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 सर। अभी आप लोग, यू आर इन 9th क्लास, आप यू आर मैच्योर पीपल, सो अगर कोई टीचर कोई डायरी भी बोल जाए तो कम अज कम आप लोग एक सीक्वेंस के साथ, एक अच्छे तरीके से आप लोग अपना काम टाइम पे किया करें।